हेलो एवरीवन, आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से कि इंटुबेशन और वेंटिलेशन क्या होता है। क्या हर इंटुबेशन और वेंटिलेशन के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है? नॉर्मली मैं आपको बोलूं, जब भी आप एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपको, जब भी आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए, तो आपको मिनिमली, जैसे हम लोग कहते हैं ना, पेशेंट को, जब कोई पेशेंट बाहर किसी को चोट लग जाए तो सीपीआर सबको आना चाहिए, वैसे ही मैं कहता हूँ जब आप एमबीबीएस कर लें तो आपको इंटुबेशन जरूर आना चाहिए। इंटुबेट कैसे करते हैं, किसी के सांस की नली कैसे डाली जाती है, ये आपको आना चाहिए। जब आप पीजी कर लेते हैं तो आप इसमें बहुत सारे इंटुबेशन करके सीख लेना चाहिए और वेंटिलेशन भी आपको आना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कोई एक एक्सपर्टीज एक डिपार्टमेंट ही चलाए, मेनली ट्रॉमा सेंटर्स या आईसीयूज कोई एक एक्सपर्टीज के पास है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपना एक ट्रॉमा सेंटर में इंटुबेशन भी करता है और अपना वेंटिलेशन भी ऑपरेट करता है। ये सब चीजें एमबीबीएस वाले को आनी चाहिए और पीजी को भी आनी चाहिए, और वेंटिलेशन हर किसी को आना चाहिए जो एक्सपर्टीज है, स्पेशली फिजिशियंस हैं और सर्जन्स हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों को भी वेंटिलेशन आना चाहिए। कब इंटुबेट करते हैं, कब एक्सट्रुबेट करते हैं, ये सब चीजें आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू सेव द लाइव्स। थैंक यू।